जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों से बातचीत की। मोदी ने कहा कि सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। नए कानूनों के बाद किसान जहां चाहे और जहां सही दाम मिले वहीं अपनी उपज बेच सकते हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि नए कानूनों से आपकी जमीन चली जाएगी, उनकी बातों में नहीं आए। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि हमने सदियों तक निचली जातियों के साथ खराब व्यवहार किया, आज भी उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है। उनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, इसके लिए हमें अपने सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। हाईकोर्ट की बेंच ने यह टिप्पणी तमिल दैनिक दिनकरन में 21 दिसंबर को छपी खबर को लेकर कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का एक महीना पूरा हो चुका है। सरकार से बातचीत के नौते की नई चिट्ठी पर किसान जवाब दे सकते हैं। सरकार की तरफ से गुरुवार को चिट्ठी लिखी गई थी। इसमें कहा कि किसान नेता बातचीत के लिए तारीख और समय तय कर बताएं, लेकिन मांगे पूरी नहीं देखते हुए किसानों ने विरोध तेज कर दिया है। हरियाणा में 3 दिन तक टोल फ्री करेंगे। नवी मुंबई में वाशी रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर 25 वर्षीय महिला अचेत अवस्था में मिली। पुलिस को संदेह है कि महिला से बलात्कार किया गया है और अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या की कोशिश की है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि एक स्थानीय ट्रेन के मोटरमैन ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन के पुल के पास महिला को अचेत अवस्था में देखा। महिला के शरीर पर जख्म के निशान थे। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसका उपचार चल रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के 2 जिलों को 28 और 29 दिसंबर को कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन के लिए चुना है। ये दोनों जिला लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर है। चंडीगढ़ में राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में इसकी पुष्टि भी की गई। सिद्धू ने कहा कि इस ड्राई रन का उद्देश्य मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत टीकाकरण को लागू करने के तरीके का परीक्षण करना है। वित्तीय संकट से घिरा पाकिस्तान भारत के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि भारत फर्जी फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के इस आरोप का जवाब दिया। भारत ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के फर्जी फ्लैग ऑपरेशन वाले आरोप को नज़रअंदाज करना चाहिए। पड़ोसी मुल्क का शीर्ष नेतृत्व काल्पनिक और हास्यप्रद बयानबाजी कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में केरल में बारिश की संभावना है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों में 26 दिसंबर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके चलते कुछ इलाकों में ठीक ठीक बारिश देखी जा सकती है। 1 जनवरी 2021 से पूरे देश भर में सभी 4 वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में 1 जनवरी से नए पुराने सभी तरह के वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा, जिन्हें 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचा गया है। 25 दिसंबर के बाद से RTO ऑफिस में केवल उन्हीं 4 पहिए वाहनों की रजिस्ट्रेशन होगी जिसमें फास्टैग लगा होगा। देश भर में इसके लिए सभी वाहन डीलर को इसकी पहले ही जानकारी दे दी गई थी। ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नए शोध के जरिए चेताया है कि ये नया स्ट्रेन पुराने वायरस की तुलना में 56% ज़्यादा खतरनाक है। इससे ज़्यादा संख्या में मौतें हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अपील की है कि ब्रिटेन में जल्द से जल्द टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।